नमस्कार, इस वक्त हम यहाँ पर रामचंद्र दयाल मुंडा स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्राउंड में है रांची में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है विकास नायक। अभी अभी जीआरडी टाटा में जो हुआ, ये जमशेदपुर स्पोर्ट्स इन लीग का फाइनल मुकाबला हुआ था टाटा मोटर और टाटा स्टील के बीच, जिसमें एकमात्र गोल किया गया था विकास नायक के द्वारा, टाटा मोटर के विकास नायक के द्वारा। मैं कहूँगा रफ्तार के बादशाह, दो खिलाड़ियों को डॉज देते हुए गैप बनाया, दाएं फ्लैंक में एक अच्छा मौका मिला और स्पेस बनाया और सीधा गोल डाल दिया। गोलकीपर तरुण कुमार महतो के लिए कोई मौका नहीं था। विकास नायक, क्या रफ्तार का क्या तेजी था उस गोल का, बताएं उस गोल के बारे में। सर, वो तो मैच कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चला हम लोग का, सभी का, और मैच का प्रेशर और क्राउड भी बहुत अच्छा था, बहुत इतना दर्शक था कि उन लोगों के बीच खेलना भी बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है, जिसमें हम अपने मेहनत से और टीम मैनेजमेंट के साथ अपना गोल को प्रदर्शित किया वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा गोल मार के। टाटा स्टील की तरफ से घनश्याम मुर्मू, राहुल मुखी, विमल कुमार जैसा स्टार खिलाड़ी खेल रहा था, लेकिन फिर भी टाटा मोटर ने विजय प्राप्त किया टाटा स्टील के ऊपर। वो विजय प्राप्त करने में एकमात्र गोल तुम्हारे द्वारा किया गया था, वो दो खिलाड़ियों को डॉज देना, फिर जगह बनाना दाईं तरफ, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह गेंद निकली और सीधा जाल में टकरा गई थी। तरुण कुमार महतो को ना आप जबरदस्त चकमा दिया। हाँ, बस वही एक चीज़ था कि जब डिफेंस से बीट हो गया तब तो एक ही टारगेट था कि गोल मारना है, चाहे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस वही टारगेट था, बस गोल तक जाना है। फिलहाल अभी फुटबॉल में और क्या करने की इच्छा है? तमन बहुत आगे बढ़ना है फुटबॉल से। बहुत अच्छी बात, तो मैं विकास नायक के लिए बोलूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास नायक, रफ्तार के बादशाह विकास नायक।